कानून व्यवस्था और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक वॉक ड्रिल की, फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के पालन में जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में बलवा से निपटने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल की। इसमें शहर में सभी थानों के पुलिसकर्मी शामिल हुए। बलवा रोधी उपकरणों का भी पूरा इस्तेमाल किया गया। बलवा होने की स्थिति में पुलिसकर्मी सुरक्षित रहते हुए किस तरह से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, इस बात को लेकर सभी को विस्तृत जानकारी दी गई। सभी थानों में रखी दंगा रोधी वर्दी, हेलमेट, गार्ड आदि को दुरुस्त रखने के सभी निर्देश जिले के सभी थाना प्रभारियों को दिए गए। इसके बाद शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया और शहरवासियों को संदेश दिया गया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जिले की पुलिस पूरी तरह से तैयार है। बेसिकली ये कानून व्यवस्था की ड्यूटियों के लिए एक तैयारी करके रखना है, प्रिपरेशन की मॉक ड्रिल है। इसके लिए हम पुलिस मुख्यालय से आदरणीय DGP सर और हमारे IG सर के द्वारा निर्देश मिले थे कि आज सभी थानों में बलवा परेड की सामग्री, बलवा जो करते ड्रिल जो हम पहनते हैं उसके लिए जो भी सामान पहनते हैं वो सारी चीज़ें, टीयर गैस सारी चीज़ों का भी चेक करें, वो प्रॉपर है कि नहीं वो करें, और इसकी एक मॉक ड्रिल भी करें कि किस तरीके से आप कानून व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर की विषम परिस्थितियों में क्या चीज़ पहन के जाना चाहिए। तो कई बार देखने में आता है कि एकदम पथराव कुछ कर देते हैं असामाजिक तत्व, तो दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पुलिस अगर पूरा वियर नहीं पहनती है प्रॉपर तो फिर उसको चोटें भी लगती हैं, घायल भी होते हैं, और फिर उन लोगों को बदमाशी करने का मौका भी ज़्यादा मिलता है, और कई बार इस गुस्से में कई बार जरूरत से ज़्यादा बल फोर्स या फायरिंग की भी स्थिति बन जाती है। तो किन-किन लोगों को शामिल किया गया था, किस-किस पोस्ट पे? इसमें सभी जिले के सभी थानों को एक तो ये बोला गया है कि सब बलवा सामग्री आज चेक करेंगे, पहनेंगे, उसका ड्रिल करवाएंगे और बलवा ड्रिल करवाएंगे। इसके अलावा हमारा जो मुख्यालय है इसमें पुलिस लाइन में शहर के जो तीनों थाना प्रभारी हैं उनका बल, लाइन का बल, यातायात का बल, AJK का बल, सभी का बल को बुलाया गया था, और इन सबको भी पूरा जो हमारी बलवा के लिए जो ड्रिल है उसके हिसाब से एंटी रॉयड के जितने इक्विपमेंट हैं सारे पहन के उनके पहले बलवा ड्रिल कराई गई, उनको मॉक ड्रिल कराई गई, उनको समझाइश दी गई कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कैसे निपटना है। कुछ लोगों के द्वारा इसमें अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो उसको किस तरह से शील्ड और अपने जो सामान है उसके साथ में उसका सामना करना है वो भी करवाया गया। उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद एक पूरे शहर में जो खास हमारे क्षेत्र हैं उन पे एक ये पूरा का वियर पहना के एक राउंड सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में करवाया गया ताकि उनको इसको पहनने में सहजता महसूस हो और कानून व्यवस्था की ड्यूटी में पहनने में और इसको इस्तेमाल करने में वो संकोच नहीं करें।